निकालूंगी और इस तरफ जो है ना फ्रेंड चिपकाने का रहता है और ये आगे की तरफ भी, तो हमें पीछे की तरफ पहले थोड़ा ही निकालना है पूरा ऐसे ऐसे सीधे की तरफ पहन सकते हो। तो फ्रेंड मैंने आपको बता दिया कि इसी फोल्ड पीछे की तरफ करना है, ये भी जो है ऐसे इसको हमें पीछे की तरफ फोल्ड करना है। तो ये हमारा पैड अच्छे से सेट हो गया है, मतलब अच्छे से बैठ गया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड, और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। और बहुत सारी हमारी सिस्टर हैं जो हमारे चैनल में जुड़े हैं, और बहुत सारे हमारे भाई हैं और देवर जी हैं वो भी मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं। तो जो हमारे सिस्टर जी हैं उन्होंने कुछ मेरे से पूछा है, तो आज उन्हीं सभी को जवाब दूंगी और बताऊंगी और दिखाऊंगी भी। तो जो हमारे सिस्टर हैं उन्होंने पूछा है कि अंडरवियर में कैसे पैड लगाते हैं, तो आज हम वही लगा के दिखाएंगे। क्योंकि बहुत हमारे सिस्टर जी हैं जिनको नहीं आता, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अभी नई नई हैं, जिनको नया नया पीरियड चालू हुआ है तो उन्हें नहीं आता है पैड लगाना। और कुछ हमारी जो सिस्टर हैं वो अभी भी पैड नहीं यूज करती हैं और कपड़ा ही यूज करती हैं। और हाँ फ्रेंड, मैं कोई मतलब प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस हमारी जो सिस्टर जी हैं उन्होंने पूछा है तो उन्हीं को मैं बताने के लिए जा रही हूँ, बताने कि मतलब कैसे अंडरवियर में पैड लगाते हैं। और जो मैंने आपको बता ही दिया कि जो हमारी छोटी मोटी सिस्टर हैं जिनको अभी नया नया पीरियड चालू हुआ है तो उन्हें भी नहीं आता है, तो ज़रूरी है। और इसमें बिल्कुल भी कोई भी शर्म नहीं है, क्योंकि हर एक लेडीज़ को होता है और ये चीज़ बिना लेडीज अधूरी भी रहती है, तो ये चीज़ भी ऊपर वाले का देन है, तो ये भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने लिया है पैड, तो पैड को कैसे लगाते हैं वो हम आपको बताएंगे। और हाँ एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, मैं कोई पैड का और कोई चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं आप सभी को लगाना बता रही हूँ। थोड़ा मेरा गला ख़राब हो गया है क्योंकि ठंडा पानी पी लिया था। तो यहाँ पे जो निकर है इसको हम उल्टा कर लेंगे, देखिए ये पीछे का पार्ट है और ये आगे का। और पैड को मैं पहले ही कट कर लिया था कि हमें आसानी से निकल आए, तो कुछ इस तरीके से मैं पैड निकालूंगी। और इस तरफ जो है ना फ्रेंड चिपकाने का रहता है और ये आगे की तरफ भी, तो हमें पीछे की तरफ पहले थोड़ा ही निकालना है, पूरा नहीं निकालना है। और इसको ऐसे चिपकाना है, अब पूरा निकाल के हमें अच्छे से चिपका लेना है। तो फ्रेंड पैड इसी तरीके से लगाते हैं जो हमारी सिस्टर जी ने पूछा है, आई होप उनका समझ आ जाएगा। तो ये आगे का जो है इसको हमें निकाल देना है, ये तो ये जो आगे की तरफ था इसको हमें मोड़कर फोल्ड पीछे की तरफ करना है, ये भी जो है ऐसे इसको हमें पीछे की तरफ फोल्ड करना है। तो ये हमारा पैड अच्छे से सेट हो गया है, मतलब अच्छे से बैठ गया है, अब ये निकलेगा नहीं। तो अब हमें क्या करना है, इसको सीधा कर देना है। तो ये मतलब पैड अच्छे से सेट हो गया है अंडरवियर में, अब इसको आप पहन सकते हैं ऐसे ऐसे सीधे की तरफ पहन सकते हो। तो फ्रेंड मैंने आपको बता दिया कि इसी तरीके से पहनना है तो, और सेट करना है और किस तरीके से लगाना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। और आपको मैं करीब से दिखा देती हूँ किस तरीके से मैंने चिपकाया है। ये दोनों तरफ चिपकाने का मिलता है, और ये पीछे मतलब ये अंदर की तरफ ही रहेगा, इसमें दिखा देती हूँ दूसरे में, क्योंकि ये जो है ये वाला जब निकालेंगे ना तो इसको हमें
पीछे की तरफ मोड़ना है, और ये वाला निकालेंगे तो मतलब यहाँ पे चिपकाएंगे, यहाँ पे ये चिपकने के लिए है, तो ये वाला निकालेंगे। अगर लगाते समय ये ज़रूर ध्यान रखना कि इकट्ठा ही नहीं निकालना है, पहले थोड़ा सा निकालना है ताकि जितना इसमें चिपक जाए ऐसे को, फिर उसके बाद पूरा निकाल कर ऐसे सेट कर लेना है। तो आई होप फ्रेंड कि आप सभी को समझ आ गया होगा, जो हमारी नई सिस्टर हैं जिनको नया नया पीरियड चालू हुआ है उनके लिए है, और जो हमारी पुरानी सिस्टर हैं जिनको होता है, वैसे तो सभी महिलाओं को होता है, इसमें बताने की कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ हमारी बहनें माताएं हैं जो वो अभी भी कपड़े यूज करते हैं, तो कपड़ा नहीं यूज करना चाहिए, पैड बहुत ही सेफ्ट रहता है, मतलब इसमें कहीं भी आओ जाओ तो लीकेज नहीं होता, अच्छा पैड लोगे तो कभी लीक नहीं करेगा, तो वैसे हमेशा ही पैड यूज करना चाहिए, और जब भी पैड चेंज करें तो साबुन से हाथ धोना चाहिए, और लगाते समय भी ध्यान रखना पड़ता है कि साबुन से ही हाथ धोकर फिर पैड लगाएं, निकालते समय भी निकाल के जब उसको दूसरा पैड लगाओ तब भी हाथ साबुन से ही धोना चाहिए। तो फ्रेंड अब मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक का बाय, अपना और अपनों का ख्याल रखना, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सारी हमारी सिस्टर जी हैं जिनको कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत हमारी बहनें हैं जिनको नहीं आता पैड लगाना। बाय।